हेलो एवरीवन, आज ईथर्स की बारी है। ठीक है, ईथर्स को मैं इनडेप्थ लेने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर में, हालांकि इसमें से काफ़ी सारे रिएक्शन हम और किसी चैप्टर में देख चुके होंगे ऑलरेडी। इसमें 5-6 रिएक्शंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी जितनी भी रिएक्शंस है अगर तुम्हें याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक, और NCERT में जितनी रिएक्शंस है उससे तो ज़्यादा ही होंगी। ठीक, तीसरी चीज़ ये है कि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है तुम्हारे बोर्ड्स या फिर जेई मेन्स या एडवांस को लेके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अल्कोहल से इन जनरल, एटलीस्ट मेन्स एंड IITs में, मेन्स एंड एडवांस में, वो तुम्हारे फिनॉल से आते हैं, इससे कम आते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट ईथर्स। ईथर्स क्या है? ईथर्स बेसिकली तुम्हारे, इट इज़ दिस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को हम, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम इसको एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं, एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है जी, ये तुम्हारा ईथर ग्रुप हो गया, गॉट इट। अगर मान लो मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, जैसे ये कुछ, ठीक, इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, आइदर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स भाई, या तो एल्कोहल का एल्काइल डेरिवेटिव कह सकते हो भाई, आर ओ एच में इसको रिप्लेस कर दो आर डैश से, है ना, या फिर डायल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, वाटर के जो दोनों एच है उनको आर और आर डैश से रिप्लेस कर दो, डायल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो एच ओ एच प्लस आर, मतलब यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर डैश। ठीक है, ये इसको इधर रिप्लेस कर दो, ये इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट जस्ट टू शो यू, गिव यू एन आइडिया व्हाट ईथर्स आर। ठीक है, और रिलेट करने के लिए, क्योंकि अभी एक और चीज़ आएगी। थर्ड थिंग इज कि ये टाइप, कितने टाइप के होते हैं, वाओ वेरी गुड। लेट इट बी। ठीक है जी, तो कहाँ थे हम, हाँ, टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, दैट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल हुए आर ओ आर, मतलब दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप्स सेम है, और R O R डैश, दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में लिख लेना दोज ईथर्स विच हैव बोथ द एल्काइल ग्रुप्स सेम, या विच हैव सेम एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, एंड अनसिमेट्रिकल विच हैज डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन। एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रखना, इसे याद भी रखना, वो है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है, जैसे अगर मैं R की बात करूं, है ना, बॉन्ड एंगल क्या हुआ इसमें, ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनके बीच का जो एंगल है ना, ये 111 डिग्रीज के आसपास होता है, क्लोज टू दैट। ठीक, अगर मान लो यही बात मैं अल्कोहल्स के लिए करूं, तो ये 107 डिग्रीज के आसपास होता है, और अगर यही बात मैं वाटर के लिए करूँ तो ये 104.5 डिग्रीज, इनफैक्ट 104 डिग्रीज 28 मिनट्स के आसपास होता है, जो भी है, मतलब 105 डिग्रीज मान सकते हो तुम। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर ये कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने वाली है कि भाई ईथर का ज़्यादा होगा, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखने वाली। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आर आर है, ये दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन होगा, इस वजह से ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच एच है, इनके बीच में उतना रिपल्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्शन है, इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा रिपल्शन है, इसलिए एंगल बढ़ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दो चीज़ें, कि एक तो एंगल ज़्यादा होता है ईथर का और क्यों। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। ठीक, नाउ कम्स प्रिपरेशन पार्ट। ठीक है, हर किसी भी ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर में तीन चीज़ें आती हैं,
एक तो जनरल बेसिक, इनफैक्ट चार कह सकते हो, एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, ठीक है, उसके नॉमनक्लेचर या उसके आइसोमेरिज्म के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होगी। सेकंड चीज़ जो आती है प्रिपरेशन, तीसरी चीज़ जो आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और चौथी चीज़ जो आती है वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और उसी में टेस्ट वेस्ट भी सारे कुछ इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारा हर चैप्टर में ऐसी होगा। तो ईथर अगर बनाना है तो ईथर हम तीन तरीके से बना सकते हैं, या तीन तरीके नहीं कहना कहना चाहते, तीन कंपाउंड से बना सकते हैं। तीन कंपाउंड कौन कौन से हुए, एक हो गया तुम्हारा एल्कीन, ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स तुम कहना चाहो एज, ठीक है, और एल्कोहल्स किस तरीके से होंगे वो देखते हैं एक एक करके। तो इन दोनों से तो एक एक तरीका है, इससे कुल मिला के तीन तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से वो बात करते हैं, इनको इलैबोरेट करेंगे, मैं बहुत इसी में ख़त्म नहीं करने वाला इसको। तो लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन। एल्कीन्स में OMDM सुना होगा तुमने, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज HgOAC होल ट्वाइस प्लस R-OH, ठीक है जी, और सेकंड जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, यूजली अगर OMDM में देखें तो यहाँ पे H2O होता है और कुछ नहीं, सिंपल H2O होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसको H2O के जगह ROH के साथ कर रहे हैं, BH4 प्लस OH माइनस या स्लैश OH माइनस, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियम सन्स सिंथेसिस, ठीक है जी, ये ध्यान रखना कि ये वाला जो विलियमसन सिंथेसिस है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन एल्काइल हैलाइड्स, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूँगा क्योंकि ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब मोस्ट फेमस रिएक्शन है ईथर बनाने की। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स तीन तरीके से बनता है, कैसे कैसे, एक तो पहला हो गया तुम्हारा जस्ट अ मिनट, हाँ, एल्कोहल से ईथर्स हीटिंग विद, इस तरीके से लिख लो इसको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4/140°C, ठीक है, या तो ये और लिख रहा हूँ यहाँ, और है ये, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों साथ में हो, एक से भी काम चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4/140° के आसपास, और थर्ड, और ये भी और है, हाँ थर्ड AL2O3/250°C, ये तीनों चीज़ अगर तीनों में से कोई भी एक है तो अल्कोहल से ईथर बन जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। दिस वन इज RO3 या C2H5O3AL/CH2N2, मतलब अगर डायज़ोमीथेन के साथ किसी अल्कोहल को का रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें ईथर मिल जाएगा, वो कैसा वाला ईथर होगा वो भी तुमको बता देंगे। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली PbOAC, ठीक है, PbOAC4/HNU/E6H5N80°C, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये चार है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, और इसको भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो जी। ये इसकी हेडिंग क्या है, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है, तो फिर फर्स्ट होगा ए फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा है, जैसे RCH(CH2) है, फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट HgOAC, इसकी मैकेनिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, और R-OH है मान लो, और लेट से सेकेंड इज NaBH4, ये डी मर्क्यूरेशन के लिए यूज होता है, और हमारा यहाँ पे क्या आता है R C
एच हो गया सी एच टू। अच्छा याद होगा तुम्हें उसमें कि जो ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन होता है उसमें एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है विदाउट सब्सटीट्यूशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा, किधर आएगा ओ एच मोर सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन सॉरी मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा एडिशन होगा ओ आर डैश का, वहाँ पे ओ एच का एडिशन होता था यहाँ ओ आर डैश का होगा, बस इतना ही है। और ये डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर एक एच आ जाएगा, तो जो आर डैश ओ एच है बेसिकली ये ऐसे ऐड हो जाएगा, गॉट इट, इतना ध्यान रखना है तुमको। बट ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो वो देख लेते हैं, डू वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। अरे भाई दो मिनट बैठ जाओ तुम। अरे कहाँ को गया भाई तू। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल मान लो इसके साथ में मैं सीधे ओ एम डी एम लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, ओ एम डी एम कराता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे तो सारी पोजीशन सेम है तो मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इधर पे हमने क्या लगा दिया ओ, और ये किसके साथ किया था हमने, लेट्स से चलो पूरा लिख ही लेते हैं, फर्स्ट एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस सी एच थ्री होल थ्राइस सॉरी होल ट्वाइस सी एच ओ एच, ठीक है, और एन ए बी एच फोर ओ एच माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको करवाता हूँ तो यहाँ पे ओ सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच, ठीक है, ये बेसिकली इधर लग जाएगा, ठीक। अच्छा लेट्स से आई एम गिविंग यू दिस, यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। यहाँ पर हम ना एक कितना हो गया सेकेंड एच जी ओ ए सी, इसमें क्या करोगे और साथ में क्या है, हम इसे सी एच थ्री ओ एच के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो तब क्या मिलेगा, डेफिनेटली दोनों में से किस पे ऐड होगा, इस वाले पे ऐड होगा और आएगा सी एच थ्री होल ट्वाइस सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे अल्कोहल सॉरी ईथर बन गया है, गॉट दिस, सिंपल इनफ। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस के बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद रखनी है, ठीक। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, विलियम सन्स सिंथेसिस, विलियम सन्स सिंथेसिस, ठीक है जी। अभी क्या होगा इसमें, बेसिक चीज देख लेते हैं हमारे पास क्या है, आर एल, ठीक है, ये एल क्या है अभी हम देखेंगे, और इसे मैंने रिएक्ट करा दिया सोडियम एल्कोक्साइड से, ठीक है जी। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से L निकल जाएगा और ये वाले भाई साहब यहाँ पे आके लग जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा R डैश ओ आर प्लस एन ए एल, ठीक है जी। यहाँ पर जो L है वो क्या हो सकता है, हैलाइड सल्फेट, ठीक है, सल्फेट में आएगा ओ एस और सल्फोनेट, सल्फोनेट में आएगा ओ सल्फोनेटिस एन, ठीक है जी। तो ये सल्फोनेट हो सकता है, ठीक है जी, SO2R मान लो इसको,
और ये डबल डैश मान लो इसको, गॉट दिस। तो ये तुम्हारे लीविंग ग्रुप है एसेंशियली, अगर हम देखें दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो मैकेनिज्म होता है SN2 होता है, तो लिखो इसमें द दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म, दिस लिखो इसे विलियमसन सिंथेसिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2, पहली चीज। सेकेंड चीज लिखो कि द लीविंग ग्रुप कैन बी हैलाइड सल्फेट और सल्फोनेट, ठीक है। तीसरी चीज लिखो दैट इट इज एसेंशियली अ रिएक्शन वेयर, इट इज एसेंशियली अ रिएक्शन वेयर एन एल्काइल हैलाइड, या नो नो नो, इट इज एसेंशियली अ रिएक्शन वेयर एन अ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, अ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड अटैक्स an alkyl group with a good leaving group, an alkyl group with a good leaving group such as halides, sulfates or sulfonates, ठीक है जी। ये basic हो गया, इसके mechanism देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ important points जानेंगे, ठीक है। First is mechanism, ये mechanism क्या है इसमें, ठीक है। तो ये mechanism क्या है, देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास आर ओ एच बी होता, मैंने क्या बताया था, या तो सोडियम एल्कोक्साइड हो या पोटेशियम एल्कोक्साइड हो, या फिर कोई अल्कोहल हो और उसके साथ में एन ए ओ एच या के ओ एच हो, ठीक है। मान लो मैं इसके साथ में एन ए ओ एच मिला रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा कि ये इसको आर ओ माइनस एन ए प्लस प्लस एच टू, मतलब ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तुम्हारे पास ये एक बेस आ गया, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखना। एल्कोक्साइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका यूज अभी आगे आएगा, ये पहली चीज होगी। दूसरा क्या है, अब हमारे पास ये है, अब और साथ में हमारे पास क्या है, आर एल, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भाई साहब क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, ये भाई साहब चुपचाप निकल जाएंगे और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर तुम देखो तो लेट से इसको आर डैश मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, आर डैश ओ आर प्लस एल माइनस, और एल माइनस किसके साथ लग जाएगा, ये एन ए के साथ में, ठीक है, प्लस एन ए प्लस, ये क्या जाएगा, एन ए एल, क्लियर होगी बात। इतनी सी ही तुम्हारी इसकी मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ नहीं, गॉट इट, ठीक है। ये वाला जो मैकेनिज्म है यहाँ पे जो हुआ है, ये एस एन टू है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होगा SN2 वो भी अभी बताते हैं, ठीक। देखो इसमें जब भी कोई रिएक्शन होगी तो कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, लेकिन अगर मान लो ये 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री हो जाए, ठीक है, तब दिस इज ऑल्सो अ गुड, यहाँ तक लिख लिया हो तब मैं आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि SN2 होगा, क्योंकि अगर मान लो ये 1 डिग्री है, R is 1 degree, ठीक है, इसका इसके ऊपर अटैक होगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक, और ये आराम से यहाँ से निकल सकता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाए, तो तब क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उस केस में इंस्टेड ऑफ कॉजिंग सब्स्टिट्यूशन इट विल कॉज एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल है उस केस में, ठीक। तो उस केस में ये यहाँ से एलिमिनेट करके ले जाएगा और हमें इंस्टेड ऑफ ईथर एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखो आर हियर शुड बी 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ओनली this can be 2 degree or 3 degree, this should be effectively 2 degree and 3 degree, clear होगी बात। तो लिख लो इसमें the alkyl group of alkyl halides or others, मतलब ये वाले, ठीक है, should be 1 degree only, should be 1 degree only, and the alkyl group of the alkoxide ion can be 1 degree, 2 degree,
3 डिग्री, इट शुड बी प्रेफरेबली 2 or 3 degree. इन केस द एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज 2 degree or 3 degree, इट विल दिस द एल्कोक्साइड ग्रुप बींग अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, it gives elimination with it. ठीक है, दूसरा लिखो, this is a good method for preparation of ethers. ठीक, ये point लिखो, और second उसके बाद लिखो, this is a good preparation for preparing mixed ethers. ठीक है, इससे पहले वाले जो methods थे उन सब में mixed ethers नहीं, जैसे alcohol वाले method में हम तो देखेंगे कि उसमें mixed ethers बनना ज़्यादा feasible नहीं है, बन तो जाएंगी लेकिन हमारे profit में नहीं है. भाई अगर मान लो हमें 3 अलग अलग ईथर्स मिले और उनको हमें सेपरेट करना पड़े तो इट इंक्रीजेस कॉस्ट, तो दैट इज़ नॉट अ फीसिबल या इकोनॉमिकली फीसिबल रिएक्शन. तो इसमें ये लिखा कि ये मिक्स्ड ईथर्स है. और नेक्स्ट होगा अगर मान लो 1 degree भी है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ CH2, CH3 या CH2, CH2, CH3, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन होगा या सबसे अच्छी यील्ड कौन देगा, इसमें सबसे अच्छी यील्ड ये भाई साहब देंगे. ठीक है, तो यील्ड इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसमें सबसे कम. क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है. SN2 मैकेनिज्म में क्या है, अटैक किस तरफ से हो रहा है, उस तरफ से जिस तरफ R है. R जितना छोटा होगा उतना जल्दी अटैक कर पाएगा, उतनी अच्छी यील्ड आएगी, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे दैट CH3 क्योंकि सबसे छोटा है, इसकी यील्ड सबसे ज़्यादा आएगी, इसकी कम और इसकी कम, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई. चलो एक आधा एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से ठीक है, लेट्स से वी हैव C2H5Br plus NaOC. Let's say कि C ऐसा है, चलो ठीक है यार, इसको सिंपल C2H5 रखते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, C2H5O C2H5, ठीक है, प्लस NaBr. ठीक, दूसरे कोई क्वेश्चंस देखते हैं. इफ वी हैव, डू वी हैव अ क्वेश्चन. अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये वाला देखो. अगर मान लो हमें ये प्रिपेयर करना हो, ठीक है, तो हम ये एक R हो गया और एक ये दूसरा R हो गया, R और R डैश. तो इसमें R कौन सा होगा, R डैश कौन सा होगा, मतलब कि तुम्हारे एल्काइल हैलाइड वाला R कौन सा होगा और तुम्हारे एल्कोक्सी ग्रुप का आर कौन सा होगा. तो तुम्हें मैंने क्या कहा है कि एल्काइल लेड के आर को 1 degree होना ज़रूरी है. तो इसमें अगर मैं ये करता हूँ CH3Br plus CH3 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 O minus Na plus, ठीक है, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन देता हूँ तो ओके है. लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ CH3 Br plus Na O CH3, मान लो मैं ये करता हूँ, तो ये दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल. ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्स्टिट्यूशन इट विल गिव एलिमिनेशन. तो हमें इस प्रोडक्ट के बजाय ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है. ठीक, नेक्स्ट चीज़ लिखो, जो ये क्या है, ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है. ठीक है, तो टर्ट ब्यूटॉक्साइड के बारे में एक पॉइंट लिख लो. सोडियम और पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ऑलवेज गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन विद 1 degree, 2 degree or 3 degree एल्काइलाइड्स. ऑलवेज गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन विद 1 degree or 2 degree or 3 degree एल्काइलाइड्स. ठीक है, 1, 2, 3 degrees एल्काइलाइड में से ये आएगा. क्लियर होगी बात. अच्छा नाउ तुमने देखा कि इसमें तो सर ये तो आपने एल्काइलाइड सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ में आपने एक एल्काइलाइड को किया, तो इसके साथ तो इसने सब्स्टिट्यूशन दे दिया, एलिमिनेशन नहीं दिया. इसमें एलिमिनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं ना. अगर मान लो ये CH3 की जगह है, मैं ले लेता, अगर मैं इसके बजाय ये ले लेता,
तब क्या होता, ये यहाँ से H हटा के डबल बॉन्ड बनाया था, Br निकाल देता, H निकाल देता और डबल बॉन्ड आ जाता। तो तब यहाँ पर ये नहीं मिलता, हमें ये मिलता। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर रिएक्शंस। इसी में आगे एक दो रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो सब कुछ तो हो गया, बेटर यील्ड ब्ला 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 ब्ली 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 ब्लू 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 फू टू कॉज एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म एल्कीन्स। ठीक है, इसमें एक चीज लिख लो, विनाइल एंड एराइल ईथर्स, विनाइल नॉट ईथर्स, विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स आर वेरी वेरी अनरिएक्टिव टूवर्ड्स दिस रिएक्शन। ठीक है, या वेरी स्लो टूवर्ड्स दिस रिएक्शन, वो हम अभी आगे देखेंगे जब हम एराइल हैलाइड्स के बाद बात करेंगे। पहले हम देखते हैं अनदर वन इज अल्फा ओमेगा हेलो हेलो हाइड्रेंस। ठीक है ना, हेलो हाइड्रिन या हेलो एल्कोहॉल, नॉट हेलो हाइड्रिन्स, हेलो एल्कोहल्स, अल्फा ओमेगा हेलो एल्कोहल्स होते क्या हैं? ये देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास कार्बन है, यहाँ पर तुम्हारे पास अल्फा ओमेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास कोई हैलोजन है और यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एल्कोहल है, या इनफैक्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट वी हैव, यहाँ पर ऐसा कुछ है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस है, इसको तुम लिख सकते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये तो इंटर मॉलिक्यूलर था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है जी, ये है तुम्हारे पास, गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो मैं इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कराऊं, लेट्स से NaOH पीजाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ पीजाइलिन 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो बेसिक इसको इस तरीके से लोगो दैट दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, और जो ये NaOH है, ठीक है, दिस इज द बेस, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका एल्कॉक्सी बना देगा, यूँ समझो इसको इस तरीके से सी 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 ओम माइनस एन ए प्लस, और यहाँ पर एक्स है कोई, इनफैक्ट फॉर द टाइमिंग लेट्स कंसिडर इट टू बी सी एल। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारे पास एल्कॉक्सी ग्रुप भी सेम कंपाउंड में है और सी एल जो लीविंग ग्रुप है वो भी सेम कंपाउंड में है, तो वी कैन से दैट दिस विल अटैक दिस कार्बन, और ये भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर वी विल गेट दिस सी 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 ओ ओ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है जी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, गॉट इट। तो ये तुम्हारी मैकेनिज्म भी हो गई और ये तुम्हारा प्रोडक्ट भी आ गया। तो लिखो साइक्लिक ईथर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग इंट्रामोलिकुलर विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब अगर मान लो ये अल्फा ओमेगा की जगह अल्फा बीटा होता, यहाँ पे होता OH, तो क्या बन जाता है यहाँ पे इपॉक्साइड। ठीक है, तो लिखो इन केस ऑफ अल्फा बीटा हेलो एल्कोहल्स दी इपॉक्साइड्स आर ओप्टेंड, लिख लो इपॉक्साइड्स आर ओप्टेंड। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्काइल अराइल ईथर्स। ये एल्काइल अराइल ईथर्स क्या हुए, मान लो इसमें से एक जो है तुम्हारा, इनफैक्ट एक नहीं, यही वाला मैं बात करूँगा, नॉट इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब लिखो एल्काइल अराइल ईथर्स, ये विलियमसन सिंथेसिस का ही पार्ट है, लिख रहा हूँ एल्काइल अराइल ईथर्स। ठीक है, एल्काइल अराइल ईथर्स क्या होते हैं, पहले ये देखो,
जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तुम्हारे पास ये है, तो ये जो तुम्हारा एल्काइल एराइल ईथर है इसमें क्या है, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज फिनाइल, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे प्रिपेयर होंगे, ये भी इसी तरीके से प्रिपेयर होंगे, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करने के लिए फॉर दैट मैटर वी विल यूज दिस, लेट से CH3Br प्लस यहाँ पे आएगा फिनॉल, ठीक है जी, और NaOH की प्रेजेंस में। नहीं तो हम इसको सीधे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे O- Na+ मतलब फिनॉक्साइड आयन लेके आ सकते हैं डायरेक्टली, कोई ऐसी कोई वो नहीं, मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें ये मिल जाएगा भाई। इसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल दिस, हम इसको बोलते हैं एनिजोल, ठीक। अगर एनिजोल को प्रिपेयर करना है तो इससे एक दूसरा और बेहतर तरीका है, विच इज CH3 होल्ड ट्वाइस SO4, ठीक है, ये डाइमिथाइल सल्फेट है, और इसको हम एग्जैक्टली इसी के साथ, ये जो तुम्हारा, ठीक है, NaOH, एंड वी विल गेट व्हाट, CH3O, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इसमें दो कारण है कि हम ये यूज करें इंस्टेड ऑफ दिस, ये यूज करना है इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज एक तो ये चीज है कि इसमें जो सल्फेट है, ठीक है, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि ये ज्यादा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू दिस, सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट होते हैं उनको ध्यान रखते हुए डिजाइन करी गई थी, और बहुत सालों पहले। तो ये तुम्हारा ईथर्स के प्रिपरेशन हो जाएगी, गॉट इट, ये तुम इस तरीके से देख सकते हो। तो इसमें लिखो मिथाइल, डाइमिथाइल सल्फेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिजोल एज कंपेयर्ड टू मिथाइल हेलाइड, बिकॉज फर्स्ट सल्फेट इज अ, मिथाइल सल्फेट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, एंड डाइमिथाइल सल्फेट इज चीपर दैन मिथाइल हेलाइड या मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे बेसिक्स हो गए, इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, अगेन जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि दिस नीड्स टू बी 1 डिग्री, ठीक है। तो मान लो इसी केस में या इसी तरीके से मैं दूसरा कुछ बना लूँ, लेट्स से आई हैव दिस, मेरे पास ये है, इस केस में भी ये 1 डिग्री है, आराम से बन सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओ सी एच टू ये, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आएगा, गॉट दिस। अच्छा, और कोई एग्जांपल, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल तुमसे पूछते हैं, ठीक है, लेट्स से आई हैव टू प्रिपेयर दिस, ये प्रिपेयर करना है मुझे, ठीक है जी, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ क्या, नो, बिकॉज ये क्या है, ये अराइल हेलाइड है, और मैं पहले बता चुका हूँ अराइल और विनाइल हेलाइड्स के बीच यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इस वजह से ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तुम्हारे विलियमसन सिंथेसिस के जितने और केसेस हो सकते थे सारे के सारे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मोस्ट बुक्स में तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिला तो भैया नीचे कमेंट में बता देना मुझे,
मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ऐसा मिलेगा नहीं, दिस इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। अब लास्ट बचता है जो तुम्हारा, दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स, सी, ये कहाँ से है, अल्कोहल से, ठीक है जी, फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला जैसे मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, और ये ध्यान रखना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल है तुम्हारे पास, ठीक है, और अगर तुम इसे H2SO4 के साथ में ट्रीट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 140 डिग्रीज, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ROR, ठीक है, प्लस H2O। तो एक तरीके क्या हुआ, ये डिहाइड्रेशन है, तो ऊपर लिख सकते हो फ्रॉम अल्कोहल्स में के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, गॉट इट। नाउ वेयर वर वी, यस, तो इसमें अगर तुम देखो, इसके साथ साथ अगर तुम ये यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें ये मिलेगा, और अगर तुम ये यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें OR मिलेगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे RO, ये मैकेनिज्म है, आई होप कि तुम्हें ये रेड में दिख रहा हो, ब्लैक वाला थोड़ा चल नहीं रहा अभी। अगर तुम इसमें H प्लस का अटैक कराओ तो क्या होगा, यहाँ पर ये ROH, ठीक है जी, और फिर इसके साथ में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास, am I making a mistake, नहीं, H प्लस का इस पर अटैक होगा, यहाँ से निकला, ठीक है, ये क्या देगा, R प्लस प्लस H2O, इस R प्लस का अटैक हो गया किस पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ROR, यहाँ से H निकल जाएगा, वैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ROR+H+, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वहाँ से H प्लस लूज होके वो कार्बोकैटायन एल्कीन भी दे सकता है, ठीक, इसीलिए मैंने कहा था दैट दिस नीड्स टू बी 1 डिग्री, क्योंकि अगर 1 डिग्री होगा तो उसके एलिमिनेट H प्लस बाहर दे के एल्कीन बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी, और जिस वजह से हमारा ये अटैक पॉसिबल हो पाएगा, वी विल गेट ईथर्स, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें याद होगा कि लो टेम्परेचर्स पे जब कभी भी हम ऐसे डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें लो टेम्परेचर पे ईथर्स मिलते थे और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन्स मिलते थे, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें लिखो एट लोअर टेम्परेचर when 1 degree alcohol is dehydrated with concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4 or Al2O3, which is also a dehydrating agent, Al2O3, we get ethers. In case of 2 degree or 3 degree alcohols, the major product will be alkenes. देखो, alkene इसमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो major product तुम्हारा ether होता है as compared to alkenes, ठीक है जी, got it। अच्छा,
इसमें मिक्स्ड ईथर के लिए पॉसिबल नहीं है, लिखो दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग मिक्स्ड ईथर्स, दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग मिक्स्ड ईथर्स, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसमें लेट से तुम ऐड कर देते हो आर डैश ओ एच, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी आएगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी आसपास होगा, तो इनको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा। दिस इज नॉट एन इकोनॉमिकली फीसिबल वे ऑफ प्रिपेयरिंग मिक्स अल्कोहल्स, ठीक है जी। लोअर टेम्परेचर फॉर्म्स, तो लिख लो इसमें लोअर टेम्परेचर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स विच इज सब्सटीट्यूशन, एंड हायर टेम्परेचर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स विच इज एलिमिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से वी हैव दिस C2H5OH concentrated H2SO4, ठीक है 140 degrees। अगर इसी टेम्परेचर को मैं 180 कर देता ना तो मुझे एल्कीन मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पास एक तरीका हो गया। सेकेंड वन वॉज दैट आई टोल्ड यू वॉज फ्रॉम डायजोमीथेन्स, तो ठीक है डायजोमीथेन कैसे करेगा, इन सब की इसे इतना समझो सिंपल तरीके से दैट दिस इज हाउ इट विल हैपन, आर ओ एच और ये किससे है सी एच टू एन टू, तो ये सिंपल पता है क्या होता है तुम्हारा आर ओ सी एच थ्री। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो ये मिथाइल एल्काइल ईथर बनाने के काम आ रहा है, नॉट मच, ठीक है। H और O के बीच में आके CH2 घुस जाता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लो हमें CH3, CH2, OH ये इथेनॉल से हमें क्या मिल सकता है भाई, हमें CH2N2 आएगा यार, हमें मिलेगा CH3, CH2O, CH3, ठीक है। तो H और OH के बीच में CH2 आ जाएगा, got it, ठीक है। थर्ड वन इज इसी में, थर्ड वन इज फ्रॉम ये जो है ये तुम्हारा इस तरीके का कुछ है, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ पी बी ओ ए सी होल फोर एच न्यू सी सिक्स एच सिक्स, ठीक है। तो अच्छा C6H6 इज बीइंग यूज एज अ सॉल्वेंट ओवर हियर, PBOACHNew, PBOAC होल फोर, दिस इज टेट्रा एसिटाइल, टेट्रा एसाइल नॉट एसिटाइल, टेट्रा हाँ एसिटाइल तो हुआ, टेट्रा एसिटाइल लेड, ठीक। ये ध्यान रखना कभी भी टेट्रा एसिटाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड कभी भी ऐसा होगा तो हमेशा वहाँ पर फ्री रेडिकल पैदा होंगे, ठीक है, हमेशा वहाँ पर फ्री रेडिकल पैदा होगा। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल ही पैदा होता है, ठीक, पहली चीज़। और ये देखो यहाँ पे HNew भी है, HNew बेसिकली इज प्रोवाइडिंग इनफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड होमोलिटिकली, और जब यहाँ पे ये पैदा हुआ तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली इसेंशियली हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड। तुम कह रहे हो सर यहाँ पे सी, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है भाई, अगर कभी मैं ना लिखूं तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, तो इसमें लिख लो एल्कोहल्स विद एटलीस्ट, एल्कोहल्स विद एटलीस्ट वन एच एट सी फोर पोजिशन, ये क्या है C1, C2, C3, C4, अगर इसको देखें तो ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो तुम कह सकते हो डेल्टा पोजिशन पे तुम्हारा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक, एक से ज़्यादा हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो एल्कोहल्स विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एट सी फोर पोजिशन गिव्स फ्री फाइव मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स विद पी बी ओ ए सी फोर, गिव्स फाइव मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स विद पी बी ओ ए सी फोर, द रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन सॉरी,
द रिएक्शन विद इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट और हीट। भाई या तो लाइट हो या हीट हो, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है कि कोई सी भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस इन्हीं दो तीन तरीके से, या तो परऑक्साइड होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसमें ये हो गया तुम्हारे पास। एंड लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अगर मान लो तुम्हारे पास इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव दिस, तुम्हारे पास यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो ये अटैक कौन से पे करता है? चौथे पे करता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये होगा तो इसका अटैक यहाँ भाई साहब का यहाँ होगा, इस पे नहीं होगा, सिक्स मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगा, बनेगा फाइव मेंबर्ड रिंग ही, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा इस बारी, यहाँ पर सी एच थ्री आ जाएगा, ठीक है जी। Got this? हाँ, temperature should be around 80 degrees. तो ये तुम्हारी preparation हो गई from these four. ठीक है, तो तुम्हारे cyclic ethers दो तरीके से आ रहे हैं, एक तो intramolecular Williamson synthesis और एक इससे, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हुई। और लेट्स टॉक अबाउट देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स द नेक्स्ट इन लाइन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली वही फिजिकल स्टेट, सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना, जिसकी जो जो इम्पॉर्टेंट होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में लिखो कि डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, इनके अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ठीक है, और जो बहुत हैवी होंगे वो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक। तो अगर तुम्हारे पास ये है या ये है, तो ये दोनों के दोनों गैसियस होते हैं, बाकी सारे लिक्विड होते हैं, और जो बहुत हैवी होते हैं वो सॉलिड होंगे, ठीक है। सेकंड लिखो सॉलिबिलिटी के बारे में। अब सॉलिबिलिटी, सी सिंपल सी बात है, ये जितनी भी चारों प्रॉपर्टी है ना वो एक ही चीज़ से गवर्न हो रही हैं। देखो भाई, अगर मान लो मैं दो मॉलिक्यूल्स को साथ में रखता हूँ, तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी इन दिस ऑफ एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो। इनके बीच में अगर फोर्सेस होंगे तो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे, वीक वेंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। अब अगर वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। इनफैक्ट इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। दूसरा, अगर इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना हाई नहीं जाएगा, है ना। और अगर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो दे विल मोस्टली बी गैशियस और लिक्विड, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और लास्ट डेंसिटी चीज़ है, डेंसिटी भी क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है तो ये अच्छे से पैक्ड नहीं होंगे, और अच्छे से पैक्ड नहीं होंगे तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, इस वजह से इनकी डेंसिटी कम रह जाती है वाटर से। तो लिख लो, बेसिकली इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड है ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज। तो सॉलिबिलिटी में लिखो, दे आर स्पेरिंगली सॉलिबल इन वाटर बट रेडिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दिस इज बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या देर इज वेरी वेरी लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लो एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। मतलब कोई करस्पॉन्डिंग एल्कोहल होगी उसके कंपेरिजन में इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, बिकॉज इन एल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर
एंड इन इन ईथर्स देर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और लास्ट लिखो डेंसिटी ऑफ ईथर्स इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ये चारों पॉइंट लिख लिए, इसका रीजन समझ में आ गया ना, देर इज नो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर हियर, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इस वजह से इसको इसके बीच में उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आ नहीं पाते जितने वाटर या एल्कोहल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले, तो देखो भाई इसमें मोस्टली, या यूं कह लो पहले तुम्हारा ना वो मैप बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट दैट मैप, ठीक है। तो वो मैप में मतलब ईथर से क्या क्या बन सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ईथर रखा है, ठीक है, तो ईथर से बहुत कुछ बन सकता है। ईथर से सबसे पहले तो HIP एल्केन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स बन सकते हैं, एल्कीन्स बन सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बन सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स बन सकते हैं, कीटोन्स बन सकते हैं। आई होप कि ब्राइटनेस बढ़ गई होगी इसकी, यस ब्राइटनेस हैज इंक्रीज्ड। चलो जी लेट्स सी, कीटोन्स बन सकते हैं, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये, है ना, कार्बोक्सिलिक, एसिड्स बन सकते हैं। एस्टर्स बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, एस्टर्स बन जाएंगे, एंड देन एस्टर्स के बाद में तुम्हारे हर हाइड्रोपरॉक्सी, ठीक है, हैलोजिनेशन लिख लो, हैलोजिनेशन ऑफ एस्टर्स, हैलोजिनेशन ऑफ ईथर्स नॉट एस्टर्स। देन देर इज हाइड्रो पर ऑक्सी ईथर्स, ठीक है। तो एंड देन लास्ट वन इज सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, ये तुम्हारा पूरा का पूरा मैप हो गया। हर चैप्टर में ऐसे मैप्स अगर बन जाएं तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर इसमें, तो ठीक है जी। तो सबसे पहला यहां पर जो होगा दैट विल बी एल्केन, एल्केन HIP। देखो भाई इसमें जो दो तीन रिएक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन सी है वो मैं साथ साथ लगाता रहता हूँ। एल्कीन डिहाइड्रेशन, ठीक है, H2SO4, H3PO4 या Al2O3, ठीक है। तो Al2O3 हैलाइड्स, इसमें दो होते हैं यार, ठीक है, एक तो तुम्हारा हो गया HI और एक हो गया PCl5। यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी दो हैं तरीके, वन इज थ्रू HI, ठीक है, वन मोल, ठीक है, और ये हो गया नॉट दिस, इसको बोलते हैं विटिग रीअरेंजमेंट, विटिग रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौता तरीका है जिससे हम ईथर से एल्कोहल जा सकते हैं, ईथर से एल्कोहल, ईथर से एल्काइल हैलाइड, ये HI वाला जो रिएक्शन है वो, दिस इज ये वाला रिएक्शन होता है तुम्हारा K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है। अगर वन अल्फा हाइड्रोजन हुआ
तो ये आएगा, अगर टू अल्फा हाइड्रोजन हुए तो ये आएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन किसके हैं वो भी मैं जब इसको कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईथर्स, ईथर्स में अगर तुम आर सी ओ सी एल को यूज़ कर रहे हो, एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री में, या आर सी ओ ओल ट्वाइस ओ, जिस एनहाइड्राइड है एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू में, या फिर सी ओ को यूज़ कर रहे हो बी एफ थ्री में, ठीक है। तो और आई थिंक देर इज़ वन मोर, सी ओ को यूज़ कर रहे, नहीं दिस इज़ द ओनली वन, एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस 208 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 125 डिग्रीज टू 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हैलोजनेशन में भी दो केसेस आते हैं, ठीक है जी, हैलोजनेशन में भी दो केसेस आएंगे। एक तो आएगा, हाउ शुड आई पुट इट, एक तो आएगा अगर मान लो Cl2 स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में होने का मतलब क्या है, ईथर एक्सेस में है, दोनों में से कोई सा भी एक देख सकते हो, या तो इसको स्मॉल मान लो, इसको ईथर, इसको एक्सेस में मान लो। अगर ऐसा हुआ तब मोनोक्लोरीनेशन होता है, मोनो क्लोरी अल्फा मोनोक्लोरीनेशन, अल्फा मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है। और अगर ये है Cl2 एक्सेस में डाल दिया तुमने, तो ये जाएगा कंप्लीट, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ पर ClH को रिप्लेस कर सकता है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर देगा, क्लोरीनेशन, ठीक है। हाइड्रोपरॉक्सी, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें O2 के साथ छोड़ देना है इन सम लाइट, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड HCl, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये मैप बना लो जल्दी से पहले, तो ठीक है, एक सेकंड रुको यार, इसमें लाइट ठीक ठाक दिख रहा है यार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब इसमें लिखो कि देखो SN, मोस्टली जो इसमें रिएक्शंस तुमने देखी है ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो सबसे पहले लिखो दैट ईथर्स रेजिस्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स, क्यों, क्योंकि वो खुद अच्छे न्यूक्लियोफाइल और बेसिस हैं। तो लिखो ईथर्स रेजिस्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस बिकॉज दे देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहली चीज़ ये लिखो, ठीक है। सेकंड लिखो डाई एल्काइल ईथर्स रिएक्ट विद वेरी फ्यू रिएजेंट्स अदर देन एसिड्स, कुछ यहाँ पे देखोगे तुमने एसिड्स थे उन्हीं के साथ में रिएक्शन होती है, उसके अलावा बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते मोस्टली, ठीक है। थर्ड लिखो द एक्टिव साइट, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अराउंड कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो ये इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं मोस्टली, दे आर द वंस विच आर द एक्टिव साइट ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है तो ये एसिडिक होते हैं नेचर में स्लाइटली। तो लिखो द एक्टिव साइट फॉर रिएजेंट्स इज सी एच बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, इज द सी एच बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ईथर हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्वेट कैटायंस, ईथर हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्वेट कैटायंस, भाई देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे सकता है, जैसे वाटर सॉल्वेट कर सकता है तो ये भी सॉल्वेट करके रख सकता है, जैसे एनए ड्राई ईथर की अगर हम बात करते हैं तो वो जो चीज़ है वो इस मतलब इसी प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ होती है। तो लिखो इसमें ईथर हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्वेट कैटायंस बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम देयर ओ एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम देयर ओ एटम, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज मेक ईथर अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी रिएक्शंस, दीज प्रॉपर्टीज मेक ईथर अ गुड सॉल्वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, फॉर मेनी रिएक्शंस। ये चार पांच प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई ये इन प्रॉपर्टीज की वजह से काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट हो जाता है वो। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें एक एग्जांपल लेते कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसका एक चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हालांकि ये चार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें वही आएंगी जो पहले आई हैं, बट दिस विल हेल्प यू इन अ डिफरेंट वे।
टोटल कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ओके इसमें जो भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारा ये जो R है, दिस इज गोइंग आउट एंड दिस इज स्टेइंग, ठीक है। तो कैसे कैसे है, सबसे पहला है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 1 मोल, वॉर्म। इस केस में क्या होगा, एक तो तुम्हारा ROH निकल जाएगा और दूसरा R ये जो बचा इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ में लग जाएगा, R SO3 OH। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है जी। सेम वे अगर मैं इसी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को 2 मोल रिएक्ट करा दूं, ठीक है, और वॉर्म में ही कराऊं, तो हमारे पास ये आ जाएगा R SO3। मैंने ROR ही लिया है, मैंने ROR- नहीं लिया है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। H2SO4, ठीक है, प्लस R SO3 OH प्लस H2O, ठीक है। तो ना अगर मान लो मैं इसे वाटर के साथ रिएक्ट करूं, हाइड्रोलिसिस कराऊं इसका हाई प्रेशर पे, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब क्या होगा, 2 अल्कोहल्स मिल जाएंगे अपने को। एक तरीके से ये समझो कि इस पे वाटर का एडिशन हो जाएगा, इस पे एच आ जाएगा, इस पे OH आ जाएगा, ठीक है। इस केस में मान लो मैं HI के साथ कराता हूँ, 1 मोल है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 मोल में एक तो दे देगा RI और दूसरा दे देगा ROH, तो कौन सा वाला R किस वाले के साथ जाएगा, ये जब मैं उसे रिएक्शन कराऊंगा तब पता चल जाएगा तुमको। अगर HI है, ठीक है, HI है 2 मोल्स, तो अगर 2 मोल हो जाते हैं तो ये वाला भी कन्वर्ट हो जाता है, क्या आएगा, RI, ये वाला भी RI, ठीक है। और अगर मान लो HI 3 मोल या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक, तभी क्या बना देता है, ये सीधे रिड्यूस कर देता है इसको, RH बन जाता है, ठीक है। तो ठीक, ये दोनों के दोनों कोल्ड में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो और यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे क्या होता है, RC OH, मान लो ये R- है, ठीक है, तो ये आ जाएगा R-C OR प्लस RCl, ठीक है। और अगर मान लो यही है, मतलब ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में एनहाइड्रस और एनहाइड्रस ZnCl2 भी चलेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसको एनहाइड्राइड के साथ में कराऊं, एनहाइड्राइड के साथ में अगर मैं इसको करवाता हूं, ओहो एक सेकंड रुको, तो यहाँ पे क्या आएगा, R-C OOR प्लस R-C OOR, ठीक है। और अगर मैं PCl5 के साथ ये रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास आएगा RCl plus RCl plus POCl3। क्लियर होगी बात, तो ये मैप बना लोगे एक बारी तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम इनकी बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा के बारे में डिस्कस करने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि तुमने नोट डाउन, इसकी पिक्चर ले ली होगी, ठीक है। तो ये हो गया जी, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली। तो फर्स्ट वन इज़ एल्केन,
टू एल्केन, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, टू एल्केन, टू एल्केन, फर्स्ट इज टू एल्केन, सिंपल सी बात है। अगर एल्केन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, आर ओ आर एच आई पी और एच आई थ्री मोल्स, ठीक है जी, मतलब तीन मोल या उससे ज़्यादा होंगे तो ये आर एच, आर एच या आर डैश मानना चाहो तो आर डैश मान लो, आर डैश एच प्लस एच टू ओ, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात है ही नहीं, ये तो पापा रिएजेंट है सबके, है ना, पापा दादा जो बोल रहे हैं ये सबके बाप है, यहाँ पर कुछ कुछ नहीं चलता, किसी की नहीं चलती इसके आगे, ये आगे वाली आ गए तो एल्केन में लेके ही आएंगे, ठीक है, एल्कीन, अगर आर ओ आर डैश है, ठीक है, तो इसमें या इनफैक्ट चलो ठीक है पहले इसका देख लेते हैं, एच टू एस ओ फोर हीट, यहाँ पे जो हीट दे रहा हूँ दिस शुड बी मोर देन 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसी में, अब इसको कैसे बताएं, रुक जाओ, ऐसे समझो इसको, आर सी एच एक दो तीन चार, और यहाँ देखते हैं आर सी एच टू आर डैश, ऐसे समझो ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर डबल बॉन्ड सी एच टू और प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड आर डैश प्लस एच टू, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते तब ज़्यादा क्लियर होगा, लेट से हमारे पास सी टू एच फाइव है इधर, यहाँ सी टू एच फाइव है, अगर तुमने इसे कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ में ट्रीट कर दिया तो क्या होगा, ये एच टू निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा सी टू एच फोर प्लस सी टू एच फोर प्लस एच टू, ठीक है, तो क्लियर होगी बात, मतलब होना क्या चाहिए, इसमें लिखो कार्बन हैविंग, कार्बन हैविंग एल्काइल ग्रुप्स, कार्बन हैविंग एल्काइल ग्रुप्स विद हाइड्रोजन, कार्बन हैविंग एल्काइल ग्रुप्स विद बीटा हाइड्रोजन अंडरगो, कार्बन हैविंग एल्काइल ग्रुप्स विद बीटा हाइड्रोजन अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्लैश डेल्टा कॉमा कॉन्सेंट्रेटेड H2PO3 स्लैश डेल्टा और Al2O3 स्लैश डेल्टा, ये तीनों की प्रेजेंस में, मैंने वहाँ पे भी लिखा था तीनों के प्रेजेंस में ये काम हो सकता है, जैसे इसमें देखोगे तुम कि ये इस पर बीटा हाइड्रोजन है, इस वाले पे भी बीटा हाइड्रोजन है, तो दोनों में बीटा हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्कीन में चेंज हो गए, ठीक, जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या करेगा वो देखते हैं, तो केस वन ये था, दिस वॉज केस वन, ठीक है, तो केस वन में लिखो, केस वन में लिख लो, when both alkyl groups, when both alkyl groups have beta hydrogen, then we get alkenes corresponding to both the alkyl groups, then we get alkenes corresponding to both the alkyl groups, next likho, when only one alkyl group has beta hydrogen, maan lo aisa kuch ho CH2 CH3, ye भाई ये ओ का अल्फा हुआ ये बीटा हुआ ना, तो बीटा पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो बीटा हाइड्रोजन है यहाँ, अब यहाँ पे मान लो इस तरीके से कुछ है, तो तुम देखोगे कि यार यहाँ पे तो बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होने की बात ही नहीं हुई, तो इसके केस में सेकंड केस है, केस टू, इसके केस में अगर तुम यही चीज़ कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर और डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सी एच थ्री सॉरी सी एच थ्री नहीं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये बात आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, और प्लस सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच, बस इतना ध्यान रखना है, क्लियर होगी बात, तो इस तरीके से तुम्हारा ये दोनों का डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो एल्कीन भी मिल रहा है, हालांकि एल्कोहल भी आ रहा है, वो इट्स लाइक नॉट द मेजर थिंग ओवर हियर, मोस्टली इसमें एल्कीन ही बन के देगा तुमको, गॉट इट, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स
एल्काइल हैलाइड्स में राइट टू एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी, टू एल्काइल हैलाइड्स में अगर देखो तो आर आर नहीं, इनफैक्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3O CH3, ठीक है। तो तुम इसको एक तो कर सकते हो PCl5 के साथ रिएक्ट, अगर तुम PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या आएगा Cl प्लस या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड POCl3, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है इसकी बारे में हमें जानना ज़रूरी है, यूजिंग HI, ठीक है, वन मोल। अभी मैं सिर्फ वन मोल लिख रहा हूँ। इसमें क्या होगा ये देखो, जैसे मान लो तुम्हारा R है, ठीक है, इसमें तुमने HI यूज़ किया, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें तुम्हारा ये बन गया, ठीक है जी, पॉजिटिव। अभी ये जब प्रोटोनेट हो गया, तुम्हारा ईथर प्रोटोनेट हो गया, तब क्या होगा, ठीक, इन दोनों में से कोई एक टूट सकता है, यूँ समझो, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, कोई सा भी एक टूटेगा, और हम हमारे पर मतलब वो रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला टूटेगा। वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर मान लो R डैश ये वाला बॉन्ड टूटे तो R डैश का क्या बनेगा, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये आएगा ROH प्लस R डैश आएगा, R डैश पॉजिटिव, मतलब कार्बोकटायन तो बन रहा है, इतना तो क्लियर है। अब जो ये कार्बोकटायन बन रहा है इसके ऊपर कार्बोकटायन बन रहा है ये कितना स्टेबल है इस पर डिपेंड करेगा। तो मान लो R का कार्बोकटायन बनता है और R डैश का कार्बोकटायन बनता है, तुम्हें देखना है, तो R और R डैश में से जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कार्बोकटायन बन जाएगा, तो ये आ गया, और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुम्हारा R डैश प्लस I माइनस है, ठीक है, ये क्या बना देगा R डैश I, ठीक है, तो सिंपल इनफ R डैश I। तो इसमें जो हमें जानने वाली बात ये है वो ये है कि SN1 से होगा पहली बात तो, ठीक है, ये एक तरीके से नॉट इवन SN1, ठीक है, तुम उसको इस तरीके से लेने की ज़रूरत भी नहीं है, या फिर अच्छा तुम ठीक है SN1 ले सकते हो उसको, ठीक है, SN1 ले सकते हो, और दूसरा तुम ये कह सकते हो कि जो एल्काइल आयोडाइड आएगा वो उस एल्काइल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आएगा जिसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, जिसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लिखो इसमें ईथर्स ऑन रिएक्शन विद, ये बात समझ में आ गई ना, अब इसको लिखवा देते हैं, लिखो ईथर्स ऑन रिएक्शन विद एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन, ईथर्स ऑन रिएक्शन विद एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, यहाँ पे हीट भी होगी, तो एसिड्स में ब्रैकेट में HI लिख लेना प्रोमिनेंटली। वैसे तो इनऑर्गेनिक एसिड HCl हो HBr हो या HI हो तीनों के साथ काम करेगा, लेकिन जो सबसे अच्छी रिएक्शन देगा वो HI के साथ में देगा। तो लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अंडरगोज क्लीवेज टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल, ठीक है जी। अच्छा अभी इस वाले जो पार्ट में मैंने ये जो बताया, ठीक है, इसको यूँ समझो, इस तरीके से लिखवा देते हैं अभी R O R डैश H, कंसिडर करेंगे कि जो R डैश है ना दैट इज मोर, उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मान लो कि ये SN2 से जाएगा, पॉसिबिलिटी है ना कि SN2 से भी जा सकता है, SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है, तो SN1 से अगर गया तो ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे ROH प्लस R प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर I का अटैक होगा और यहाँ पे आ जाएगा ROH प्लस R डैश H, ठीक है, क्लियर हो गई R डैश H नहीं R डैश I। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है देखो, R डैश H को मैंने बोला कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन देगा, तो
कंसिडर ये किया जा सकता है ना कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो ज़्यादा ज़्यादा होंगे, 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बल्की ग्रुप होगा मोस्टली, ठीक। मान लो ये SN2 कर रहा है, तो अगर SN2 करेगा तो इंस्टेड ऑफ दिस किस तरफ से अटैक होना चाहिए, आई माइनस का किधर से होना चाहिए, या तो इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, क्योंकि ये बल्की होगा तो किधर से होगा, R से। तो ये साइड पे यूं समझो R I O इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, और उसके बाद यहां पे आएगा RI प्लस R डैश OH। तो तुम देख सकते हो दोनों में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है कि नहीं, सिंपल इनफ, ठीक है, गॉट इट। तो ये एक बेसिक तुमने मैकेनिज्म लिख ली। अब इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कि कब कौन सी मिलेगी, ठीक। देखो भाई, अगर ये, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने पूरा बता दिया ना, ठीक है, आर आई, ठीक है, आर एक्स, आर डैश एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों का मैंने बता दिया, इसमें ध्यान से देखो, आर और आर डैश दोनों अगर 1 डिग्री हुए तो SN2, इसे पॉइंट वाइज लिख लो, आर आर डैश 1 डिग्री हुए तो SN2, आर आर डैश दोनों 3 डिग्री हुए तो SN1, अगर आर आर डैश में से एक भी 3 डिग्री हुआ, और यह यूँ समझो, ये कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं यार यहाँ पे, 1 डिग्री 1 डिग्री SN2, इस तरीके से एक टेबल बना लो, 3 डिग्री 3 डिग्री SN1, 3 डिग्री 1 डिग्री SN1, 3 डिग्री 2 डिग्री SN1। मतलब अगर 3 डिग्री कोई सा भी एक 3 डिग्री हुआ तो SN1 आएगा। अच्छा, अब बचा क्या, 2 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री 2 डिग्री, ये तो बचे। इसमें देखो, इसमें SN2 आएगा और इसमें SN1 SN2 दोनों आ सकते हैं, मतलब ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दोनों की है। तो ये जो 2 डिग्री 2 डिग्री वाला केस है, इसके बारे में हम कुछ भी 100% नहीं कह सकते। बाकी इन चार के जो शुरुआत के चार हैं, इनके बारे में 100% कह सकते हैं कि भाई अगर ये हुआ तो SN1 ही आएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा इसका ही बनेगा, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनमें ही आएंगे। जहाँ पे एम्बिगुटी है वो वाला क्वेश्चन क्यों देगा, ठीक है, वो तुम्हें वो जानना चाहता है कि तुम्हें ये क्लियर है कि नहीं कि कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो ये लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद लिखो, इन SN1 हेलाइड, एल्काइल हेलाइड इज गिवन बाय दैट एल्काइल ग्रुप विच गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, इन SN1, ठीक। और इन SN2 एल्काइल हेलाइड इज गिवन बाय द लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप, द लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप। तो अब ऐसा करते हैं, इसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है जी। अब देखते हैं कि कितना बैठा है दिमाग में। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, HI के साथ मैंने इसका रिएक्शन करा दिया 1 मोल, तो क्या मिलेगा मेरे को, तुम देख रहे हो दैट दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री, क्लियर है, 2 डिग्री है। तो यहां पर हमें CH3 I आएगा प्लस CH3 OCH, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी नॉट दिस, OHCH, ठीक है। तो सो दिस इज योर प्रोडक्ट CH3I, और ये किससे आया है, किसके थ्रू आया है ये वाला, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आया है, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आया है। देखो H प्लस लगा है इस पर, अगर इसकी तुम मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो ये देखो, अगर इस पर H प्लस का अटैक होगा इधर,
तो ये बनेगा ये वाला, ठीक। अब क्योंकि भाई आई माइनस है, आई माइनस कैन कम फ्रॉम आइदर हियर और हियर, किधर से प्रेफर करेगा, इधर से आना, इधर से आएगा तो सी एच थ्री आई और बाकी जो एल्कोहल है वो मिलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिनाइल कार्बन, फिनाइल यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ क्या है, ओ सी 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 सी, ठीक है। यहाँ क्या बचा, इधर क्या होगा ये बताओ मुझे, दोनों के दोनों 3 डिग्री हैं, ठीक है, दोनों के दोनों 3 डिग्री हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे भाई। देखो ये भी बना सकता है कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन बना सकता है, किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका कार्बोकेटाइन, तो ये SN1 होगा, ठीक है, HI 1 मोल। यहाँ पे क्या आएगा, pH CH3, ठीक। टूटेगा ये तो इस पे आई आ जाएगा और ये किस, ये क्या आएगा, CH3 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 OH, ठीक है। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। लेट्स से लेट्स टेक अदर्स, फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं CH3 CH3 O CCH3 whole thrice, ठीक है, प्लस HI। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी 1 मोल ही है, तो इसमें ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसके साथ CH3 whole thrice CI प्लस CH3 CH CH3 OH, ठीक है ना। तो ये किसके साथ आया, आई किसके साथ आया, इसके साथ आया, नॉट दिस वन, इसके साथ आया, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा था, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे ही है ओ CH3, ये वाला तुम खुद करके देखना इस वाले को, और अगर मान लो ये होता है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इधर भी pH है, इधर भी pH है ना, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, कोई सा भी नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे टूट पाना इनका मुश्किल होता है, तो ये SN1 तो बिल्कुल नहीं देंगे, SN1 बिल्कुल नहीं देंगे, हालांकि SN2 दे सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट SN2 भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो टूटना है, इनफैक्ट यूँ समझो नो रिएक्शन एट ऑल, क्योंकि SN2 देना मुश्किल होगा इसके लिए भी, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ऐसे से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। नाउ अगर मान लो हमने ड्राई कंडीशंस में HI को यूज़ किया है, अगर हमने ड्राई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो इफ़ HI इज़ यूज्ड, इसमें स्टार मार्क कर लेना नोट करके, स्टार मार्क, ठीक है, इफ़ HI इज़ यूज्ड इन ड्राई कंडीशंस, देन द रिएक्शन विल ऑलवेज गो वाया SN2 mechanism, हमेशा SN2 से जाएगी, क्लियर होगी बात, ये पॉइंट लिख लो और इसमें रिएक्शन, ठीक है, इसमें इतना ही लिख लो। अच्छा अब एक चीज़ है इसमें, ये होता है एस्टिमेशन ऑफ एल्कॉक्सी ग्रुप, ये एक पार्ट होता है इसमें, ये जो रिएक्शन है इस तरीके से भी यूज हो सकती है, कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH3 CH2 O CH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है, तो कितने मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर मैं इसी को HI के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो अपना क्या जाएगा CH3 CH2 OH plus CH3 I, ठीक है, क्योंकि I किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ ही जाएगा, तो और अगर मैं CH3 I जो हमारे पास बना है उसे मैं AgNO3 के साथ ट्रीट कर दूं, तो what will I get,
I will get AgI, a yellow precipitate plus CH3NO3, ठीक है, मिथाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 1:1 का रेशो है, 1:1 का रेशो है, और इसका भी 1:1 का रेशो है। तो इसका एक मोल होगा तो इसका भी एक मोल होगा, और अगर इसका एक मोल होगा तो इसका, मतलब एक मिथॉक्सी ग्रुप से हमें एक AgI मिल रहा है। तो अगर एक मोल कंपाउंड है ये, तो उसमें एक मोल मिथॉक्सी ग्रुप्स होंगे और इसमें एक मोल AgI हमको मिलेगा। इतना क्लियर है? तो ये पूछना बताना चाह रहा है कि परसेंटेज ऑफ, ये एस्टिमेशन की बात हो रही है ना, तो परसेंटेज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, ये इन वेट है भाई, मिथॉक्सी ग्रुप इस पूरे के पूरे कंपाउंड में मिथॉक्सी ग्रुप अगर है, ठीक है, अगर मिथॉक्सी ग्रुप है तो उसका इस पूरे कंपाउंड में मास कितना है, ये बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें इसका मोलर मास नहीं पता, ठीक है, अपने को इसका मोलर मास नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो जरा ध्यान से, या फिर इसमें कितने मिथॉक्सी ग्रुप्स है वो हमें जानना है। ठीक है, टोटल मोलर मास अपने को पता है, सॉरी, अपने को टोटल मोलर मास पता है, अपने को ये पता लगाना है कि एक कंपाउंड में कितने मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं। देखो, लेट्स से इसका मोलर मास है एम ईथर, ठीक है, और मोलर मास ऑफ AgI कितना हो गया, एम AgI, ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें इसका मोलर मास, इसका मोलर मास अगर ME है, तो रुक जाओ, वेट ऑफ ईथर अपॉन, ठीक है, इसमें 1:1 आ रहा है ना, वेट ऑफ ईथर अपॉन ME, ये तो इसके मोल्स हो गए, ठीक है, नहीं रुक जाओ, परसेंटेज कैसे आएगा, परसेंटेज विल कम आउट टू बी 31, क्योंकि ये 31 आएगा ना, 16 प्लस 12 कितना हुआ, 28 प्लस 3 31, 31 ग्राम्स अपॉन इसका मोलर मास। अब तुम बोलोगे सर 31 ग्राम्स तो आ गया, ME से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज अपने आप आ गई, इसमें और चीज़ों करने की ज़रूरत क्या है, हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने मिथॉक्सी ग्रुप है, लेट्स से कि N मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमें नहीं पता, तो हमने क्या करा, N मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं, इतना मान लिया, ठीक है। अब वो N मिथॉक्सी ग्रुप्स कैसे पता चलेंगे, तुम इसमें देखोगे कि वेट ऑफ AgI, अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूँ, अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूँ तो कैसे निकलेंगे इसके मोल्स, AgI का मोल, वेट ऑफ AgI, जो हमें AgI मिलेगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा ना, तो हम उसके वेट को नाप सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दें मैं अगर MAgI से, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोल्स ऑफ AgI आ गए, ठीक है। अगर मोल्स ऑफ AgI की बात करो तो उतने ही मोल्स ऑफ CH3I होंगे, हाँ है ना, ठीक है, और उतने ही मोल्स ऑफ, मतलब उतने ही OCH3 होंगे, इतना समझो, उतने ही मिथॉक्सी ग्रुप्स होंगे इसमें, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखते हो कि वेयर एम आई मेकिंग अ मिस्टेक, 31 अपॉन ईथर, ठीक है, क्लियर है। तो जितने मोल्स आएंगे, हमने तो इसका एक मोल अज्यूम किया ना, अब इसके मोल्स निकाल लो इसके करस्पॉन्डिंग, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग इसका भी एक ही मोल आता है, इसका एक मोल आ रहा है, इसका भी एक मोल आ रहा है, तो AN=1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसको, इस N को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वेट ऑफ AgI इंटू 31 अपॉन मोलर मास ऑफ ईथर इंटू मोलर मास ऑफ AgI, इसमें मेरा काम मत बढ़ाओ, तुम इसको लिख लेना, ME इज द मोलर मास ऑफ ईथर एंड MAgI इज द मोलर मास ऑफ AgI विच इज 234.88, ये ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। 108 और 127 कितना होता है, 108 और 127 107 पॉइंट समथिंग होता है, 107.88 होता है, ठीक है, 107.88 प्लस 127 इज 234.88, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो तुम नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्कोहल्स,
ठीक है, एल्कोहल्स में कैसे चेंज होगा टू एल्कोहल्स। ठीक है जी, एल्कोहल्स में कैसे कैसे चेंज होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अगर मान लो दो मोल्स होंगे आर ओ आर डैश में, दो मोल्स एच आई रख दिए, तो लेट्स से कि पहले उसने एच आई से एक एक रिएक्शन हुई, तो मान लो ऐसा कुछ मिल गया हमको, और अगर मान लो उसके साथ फिर से रिएक्शन हो गई एच आई की, तो क्या मिल जाएगा अपने को, आर डैश आई प्लस एच टू। तो अगर कभी भी दो मोल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे वन मोल वहाँ पे वन मोल, टोटल दो मोल्स अगर हो गए, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमको हैलाइड या आयोडाइड मिल जाएगा, विच एवर द केस में भी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, सिंपल है। और तीसरे वाले का मैं बता चुका हूँ, अगर तीसरा वाला होगा तो फर्स्ट, मतलब तीसरा वाला तीन मोल से उससे ज़्यादा होंगे तो फर्स्ट केस आ जाएगा, एल्केन्स में चेंज हो जाएगा टू एल्कोहल्स। टू एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के साथ में क्या होता है, एल्कोहल्स के साथ में क्या होगा, या एल्कोहल्स कैसे बनेंगे। भाई देखो, एक तो तुम्हारे सामने सामने हो गया कि भाई आर ओ आर डैश को अगर हमने एच आई से ट्रीट किया विद सम हीट एंड वन मोल ओनली, तो हमारा एक तो बनता है आर आई और एक बनता है आर डैश ओ एच, तो हमारे पास एक तो एल्कोहल आ ही रहा है ना। तो ये तो एक एल्कोहल पाने का ही है, यूँ कह लो एक तरीके से बाय प्रोडक्ट हुआ, बट अगेन वी कैन गेट एल्कोहल आउट ऑफ इट, ये मैं तुम्हें लिखवाई चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो जो कि काम का है, विच इज विटिग रीअरेंजमेंट, विच इज विटिग रीअरेंजमेंट। तो विटिग रीअरेंजमेंट के बारे में लिखो, विटिग रीअरेंजमेंट के बारे में लिखो भाई, वेर इज इट, सॉरी हियर इट, कहाँ लिखा भाई मैंने, ये रहा विटिग रीअरेंजमेंट, इसमें लिखो इट इज अ बेस कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट, इट इज अ बेस कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे सीधे ना, C6H5CH2OCH3। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेस है, ठीक है जी, तो होता क्या है, दिस CH3 कम्स एंड जंप्स ओवर टू दिस और OH यहाँ पे आ जाता है, तुम्हारा आ जाएगा C6H5CH2CH2OH। ठीक है, अगर हम देखें एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ये, ठीक है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, सेम चीज़ है, लेकिन ये ईथर है और वो एल्कोहल है, बस इतना है, ये बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, इतना है। तो लिखो इट इज़ अ बेस कैटलाइज्ड विटिक बेस कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन विच एन ईथर गेट्स कन्वर्टेड इन टू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्कोहल वाया अ वन टू शिफ्ट। वन टू शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, वन टू शिफ्ट हुआ, इसकी फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है, तो ये सीधे यहाँ पे जंप कर जाता है। तो लिखो वाया अ वन टू शिफ्ट, वाया अ वन टू शिफ्ट इज नोन एज विटिग रीअरेंजमेंट। ठीक है, द बेस यूज्ड इन दिस रिएक्शन शुड बी वेरी स्ट्रांग, द बेस यूज्ड इन दिस रिएक्शन शुड बी वेरी स्ट्रांग। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लोगे दो बेसिस तो एटलीस्ट तुम लिख ही सकते हो, PHLI और दूसरा हो गया NaNH2, ये दोनों बेसिस के लिख लेना कि बेस होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वेरी स्ट्रांग बेसिस, तो RLI या PHLI RLI जो भी लिखना, ठीक है, वो हो गया और NaNH2 हो गया। लिखो द रीअरेंजमेंट इज यूजली गिवन बाय बेंजाइल और एलाइल ईथर्स, बेंजाइल और एलाइल ईथर्स बिकॉज द कार्बन आयन फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, द कार्बनाइन फॉर्म एज द इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये एक पॉइंट लिखो और इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बेंजाइल ऑलरेडी लगाया, दिस इज बेंजाइल, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक बेस अगर आया, अगर बेस मान लो जैसे पीएच या पीएच मान लो पीएच एलआई है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, या तो देखो हाइड्रोजन सॉरी इस ऑक्सीजन से जुड़े दो कार्बन है, ये वाला इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन है, इससे जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है या तो यहाँ से निकाल सकता है या यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ से निकालेगा तो एक कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से निकालेगा तो एक कार्बन आयन बनेगा। मान लो मैं दोनों के दोनों बता देता तुमको, ये हो गया CHSAOCH3, ये वाला निकाला तो ये बनेगा,
इधर से निकाला तो क्या बनेगा, C6H5CH2O CH2, ऐसे ये वाला बनेगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, दिस वन, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो H लेके जाता है वो इस वाले का लेके जाता है, तो ये वाला नहीं बनता, ये वाला बना, ठीक, ये वाला बना। तो अब जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है इसके, या यूँ कह लो कि इधर होमोलिटिक फिजन हो जाता है, ठीक। होमोलिटिक फिजन बनता है तो यहाँ पे एक रेडिकल अनायन बन जाता है, पहले भी सुना होगा तुमने, रेडिकल अनायन बन जाता है विच इज समवट लाइक दिस। ये रेडिकल अनायन बन जाता है। अब यहां पर क्या होता है, ये यूं समझो रेजोनेंस हो गई, यहां पे रेजोनेंस हो गई तो क्या आ जाएगा, CH6H5CH तो जा चुका है ना, हाँ यहां पे डॉट आ गया और यहां पे माइनस आ गया, ठीक है जी, आर वी क्लियर। तो यहाँ पर ये CH3 का अटैक हो जाएगा, CH3 का अटैक हो जाएगा किस पे, इस वाले का, इस पे, ठीक, इसका अटैक हो गया यहाँ पे, हमारे पास क्या आ गया, C6H5 CH, अच्छा ये नहीं आता, सॉरी माई बैड, This is the product, ठीक है, CH, CH3, और यहाँ O माइनस आ गया। अब जो मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप क्या है, H प्लस के साथ इसका हाइड्रोलिसिस, अगर H प्लस के साथ तुम इस हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया तुम्हारा, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है, दिस नीड्स टू बी स्टेबलाइज, तो यहाँ पे या तो तुम्हारा फिनाइल ग्रुप हो, ठीक है, या फिर अलाइल ग्रुप हो, अलाइल ग्रुप होगा तो भी ये स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, ठीक, गॉट इट। तो ये तुम्हारे अल्कोहल्स बन गए। अब कीटो की बात करते हैं, कीटो और एसिड्स की, कीटो और एसिड दोनों के दोनों साथ ही बनते हैं, कीटो और एसिड्स दोनों के दोनों साथ ही बनते हैं, तो इसलिए लिख रहा हूं, कीटो और एसिड्स ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7H+, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7H+। इसमें होगा क्या, सिंपल सा है, अगर तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो अगर तुम इसको K2Cr2O7 से रिएक्ट कराओगे, K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कराओगे इन एसिडिक कंडीशंस, तो तुम्हारे पास एसिड्स मिलेंगे, जैसे CH3COOH प्लस CH3COOH। तो तुम देख रहे हो इस वाले के पास, इस ये कार्बन इसका अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बन इसका अल्फा कार्बन हो गया, इस पे दोनों पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इस पे, दो हाइड्रोजन इस पे, तो ऐसा है कि जब दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो एसिड बनेगा, और जब एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तब कीटोन बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा, अगर तुम इसको K2Cr2O7 से ट्रीट करोगे तो ये तुम्हारा देगा CH3COOH प्लस CH3 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो इसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ लोगों को, ये ठीक है, ये आ जाएगा, ये H चला जाएगा, क्लियर होगी बात। तो लिखो इसमें ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशंस, K2Cr2O7 विद इन एसिडिक कंडीशंस, द ईथर ब्रेक्स अप एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन्स करस्पॉन्डिंग टू द एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे देखो, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इथाइल ग्रुप है ना, तो इथनोइक एसिड आ गया। यहाँ पर तुम्हारे पास ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो कीटोन आ गया,
एसीटोन, ठीक है। तो लिखो इसमें ईथर विद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ईथर विद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन ओनली, नहीं वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड विद K2Cr2O7, मतलब एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अल्फा कार्बन हैविंग टू अल्फा हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू COOH, अल्फा कार्बन हैविंग टू अल्फा हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू COOH एंड, मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अल्फा कार्बन हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू कीटोन, ठीक है। ये क्लियर रहेगा, ये दोनों के दोनों नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट, टू कीटो तो हो चुका है, अब आगे की बात करते हैं कीटो एसिड्स। अब एस्टर्स की बात करते हैं, एस्टर्स वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे टू एस्टर्स में आपका हो गया CH3, CH2O, CH2 एंड CH3, ठीक है। इसके साथ मान लो मैंने CH3COCl के साथ रिएक्ट करा दिया इन एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है जी। तो AlCl3 क्या करता है, AlCl3 डज व्हाट, AlCl3 इसके साथ में अगर इसकी मैकेनिज्म देखो, ये बिल्कुल तुम्हारा एसाइलेशन जो याद होगा बेंजाइल बेंजीन का, उसके जैसे ही है। तो एनहाइड्रस AlCl3 इसके साथ कंबाइन करेगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3COCl विद AlCl3, यू विल गेट CH3CO+AlCl4-, ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा। अब जब तुम्हारे पास ये आ गया है, ठीक है, ये क्या करेगा, दिस विल अटैक ऑन दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आएगा CH3CH2O CH C2H5 कर देता सीधे से, ठीक है। अब इस पे अटैक हो जाएगा इसका CO CH3, तो दिस विल अटैक ओवर हियर और हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या आ गया CH C2H5, और यहाँ पॉजिटिव। बस अब इन दोनों में से कोई भी एक जा सकता है, यहाँ पे ये चला जाएगा क्योंकि सेम सी ही बात है, तो ये चला जाएगा एज R प्लस बाहर चला जाएगा, सॉरी C2H5, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या आ गया, एस्टर आ गया तुम्हारा, ठीक है। और ये जो C2H5 है ये इसका Cl लेके क्या बना लेगा, C2H5Cl, क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारी बेसिक रिएक्शन है, इसी के जैसी अगर मान लो तुम, मैं एसिड क्लोराइड की जगह यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर लेता, तो ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस ये होता कि यहाँ पर जो निकलता, यहाँ से जो C2H5 निकला ना, यहाँ से भी कोई एक दूसरा ऐसा ग्रुप निकलता, आई थिंक इट वुड हैव बीन एल्कॉक्सी ग्रुप, और जो एल्कॉक्सी ग्रुप निकलता वो इसके जो दूसरा वाला पार्ट है उसके साथ रिएक्ट करता और ये बन जाता, ठीक है। तो लिख लो इसमें ईथर्स ऑन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस ZnCl2 गिव esters and alkyl halide the same thing is next, yaha likh sakte ho aur likh sakte ho uske baad acid on reaction with acid anhydrides the same thing will happen, theek hai, same cheez hogi। next reaction isme reaction jo likh raha hu next wali isi ki jaisi hai, lekin isme aur zyada kuch karwaunga nahi, simple si reaction hai, agar tum aisa karte ho plus CO, ठीक है जी, तो तुम्हारे पास क्या आएगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 125 टू 180 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारे यहाँ पे RCOOR आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के दोनों अलग हुए, अगर दोनों के दोनों अलग हुए तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बस ये होगा। तो बेटर वुड भी कि हम इसमें सिमेट्रिकल ईथर्स यूज़ करें ताकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो ईथर लिख लो इसमें, ईथर कन्वर्ट्स इनटू एस्टर्स विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। आई फॉरगॉट टू राइट दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये यह हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे एस्टर्स भी बन गए। अब हमारे पास बचती हैं तीन चीज़ें, कौन कौन सी तीन चीज़ें थी, एक तो था हैलोजनेशन की बात थी, दूसरा था हाइड्रोपरॉक्सी बनने का, और तीसरा सॉल्ट फॉर्मेशन था। इसके बाद ये चैप्टर ओवर है, ठीक है जी। 2 घंटे लग गए बताओ इसे बनाने में। इसके बाद इपॉक्साइड भी है, वो भी दो मिनट की बात है, उसको भी ले लेंगे। तो क्या बात कर रहे थे हम, राइट, हाँ जी, तो टू एस्टर्स नहीं है। अब क्या है यहाँ पे, हैलोजनेशन ऑफ ईथर्स, हैलोजनेशन ऑफ ईथर्स। तो ये कैसा हो रहा है हैलोजनेशन, भाई देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास CH3 है, और अगर तुमने इसको रिएक्शन कराई है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो क्या होगा, और इसको हम एक्सेस में रखते हैं अभी, किसको, सबस्ट्रेट को एक्सेस में रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गए, ये बीटा हो गए, ये अल्फा हो गए, ये अल्फा हो गए, ये बीटा हो गए। तो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन के बगल वाला है ये ज़्यादा इजीली रिप्लेसेबल है, तो इसको रिप्लेस कर देता है और मोनो क्लोरिनेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH Cl O CH2 CH3, क्लियर होगी ये बात, ठीक। और अगर यही चीज़ को हम उल्टा कर दें, मतलब इसको एक्सेस में ले लें, ये ध्यान रखना है, ये लाइट की प्रेजेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि ये वाला लाइट की एब्सेंस में होता है और ये वाला लाइट की प्रेजेंस में होता है, विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन बिना लाइट के एटलीस्ट Cl2 केस में तो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, Cl2 HNU, इसको अब एक्सेस में ले लो तुम, इसको तुम एक्सेस में ले लो, तो क्या होगा, CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3, दिस इज व्हाट विल हैपन। तो इसमें लिखो हैलोजनेशन ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। दिस रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विच इज इन विच अ हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो इसमें लिखो, देर आर टू केसेस, फर्स्ट इज व्हेन ईथर इज़ यूज्ड इन एक्सेस, तो पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और केस टू लिखना, व्हेन Cl2 इज यूज्ड इन एक्सेस, तो इसमें ये जो बनता है इसको बोलते हैं पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, ठीक है जी, बस इतना ही हो गया, ये हैलोजनेशन हो गया जी। अब बात करते हैं तुम्हारे ऑक्सीडेशन की, ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको, लाइक व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लेट ईथर सिट इन एयर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 होना चाहिए एयर में, वी लेट इट सिट इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो वहाँ पर उसके एक सींग लग जाता है, सींग होता है एक परॉक्सी लिंकेज, वो परॉक्सी लिंकेज क्या है वो देखो, ठीक है। इस पर आई थिंक नॉट एग्जैक्टली इस पर, लेकिन तुम्हारा JEE एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, बट वो इससे रिलेटेड भी नहीं है, मतलब कैसे बोलूँ कि वो ईथर वॉज नॉट द सबस्टेट ओवर देयर, लेकिन रिएक्शन यही थी, ईथर वॉज नॉट द सबस्टेट,
बट रिएक्शन एग्जैक्टली यही थी। मान लो तुम्हारे पास यही है CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं इसको O2 के साथ में लेट इट सिट फॉर विद O2 या एयर, ठीक है, फॉर अ वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो व्हाट हैपेंस इज इन दोनों में से कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर एक सींग उग जाता है, ये वाला, ये परॉक्सी लिंकेज हो गई CH2 CH3, ठीक है जी। ये है बेसिकली प्रॉब्लम। तो लिखो ईथर हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना, ईथर हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म्स a hydroperoxide on standing with air in the presence of UV light, तुम कहोगे सर UV light हमें देनी पड़ेगी, मतलब ऐसी थोड़ी बहुत UV light तो तुम्हारी normal atmosphere में भी present होगी ही, तो अगर तुम इसको air में खुले बर्तन नहीं तो अगर तुम transparent uncolored bottle में रखोगे, ठीक है, तो भी ये चीज़ हो जाएगी क्योंकि बॉटल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगी ही, ठीक है। तो दिस हाइड्रोपरॉक्साइड विल बी फॉर्म्ड, तो इसमें लिखो टू अवॉइड दिस। अब इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, अवॉइड करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका तो क्या हो गया कि उसे लाइट ही मत दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये रेडिकल क्रिएट करता है फर्स्ट, पहले इसमें रेडिकल क्रिएट होता है, इसमें दो, ये जो दो बॉन्ड्स हैं उनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, तो ये इस तरीके का एक रेडिकल क्रिएट करता है और तब इसका अटैक होता है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म की अपने को ज़रूरत नहीं है, ये इस पर अटैक नहीं हो रहा है, ये इस पर अटैक हो रहा है इसका, क्लियर होगी बात। तो लिखो इसमें टू अवॉइड दिस फर्स्ट वी कीप द ईथर इन ब्राउन बॉटल्स, और सेकेंड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ CU2O plus CUSO4 या CU2O plus CUSO4 और CU2O plus H2SO4 और FeSO4, ठीक है, ये या यू समझो CU2O plus H2SO4, ये तीनों लिख लें भाई CUSO4, अगर इसके साथ भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, और FeSO4, ये इन तीनों में से किसी भी एक के साथ में थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा अमाउंट उसमें डाल दो तो नहीं होगा। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दीज एक्ट एज रिवर्स और नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये इसको दोबारा से इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज, इसमें लिखो दीज, जब ये दोनों पॉइंट लिख लोगे इसमें लिखना दीज कंपाउंड्स या reagents act as or work as negative catalysts and convert the hydroperoxide back into ether, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर तुम इसको लिखते हो CH O O H O CH2 CH3, तो यहाँ पर अगर तुम CU2O H2SO4 को रखते हो तो यू विल गेट CH3 CH2O CH2 CH3 plus H2O2, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे H2O2 बन जाता है, ठीक है। अब ये H2O2 को डिटेक्ट भी करना होगा अपने को, ठीक, तो डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये क्लियर होगी भाई बात, ये ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर परोक्साइड इज कन्फर्म्ड, भाई ये बना भी है, ये कैसे कन्फर्म करेंगे, इसको हमने इसमें डाला और यहाँ पे H2O2 मिल गया, अगर हम H2O2 डिटेक्ट कर पाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोपरोक्साइड बना था। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर हाइड्रोपरोक्साइड इज कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ H2O2 बिकॉज H2O2 कैन बी ऑप्टेंड ओनली बाय एडिंग H2SO4, CuSO4 और FeSO4 टू ईथर परोक्साइड। मतलब जब तक ये बनेगा नहीं तब तक इन तीनों में से कोई भी H2O2 प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अगर H2O2 प्रोड्यूस हो गया तो मतलब हाइड्रोपरोक्साइड है वहाँ पे,
ठीक है। तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, जब ये एक बार मान लो CuSO2H2SO4 से ये बन गया, ठीक है, अगर एक बार H2O2 बना तो इसको दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज H2O2 को अगर हम KI और स्टार्च के एक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो ये ब्लू कलर देगा, ठीक है। ये ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, I2 की वजह से, ये I2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, सॉरी आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू I2, तो ये हो गया। और अगर मान लो H2O2 है, क्योंकि दोनों केस में तो बनेगा ही, अगर FeSO4 डालोगे तो FeSO4 में क्या है, Fe2+ में है, तो व्हाट इट डज इज बेसिकली इट ऑक्सीडाइजेज इट टू Fe3+, और अगर हमने इसमें KCNS डाल दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे FeCNS6 मिलता है क्या, आई थिंक इट इज 3 ओनली, ठीक है, ये बनेगा। और ये किस कलर का होता है, ये ब्लड रेड कलर का होता है। तो ये दोनों के दोनों कलर्स जो हैं ये बता देते हैं कि यहाँ पे H2O2 बना है, और अगर H2O2 है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोपरॉक्साइड रहा होगा, ठीक है जी। तो ये क्लियर है, ठीक। बोथ दिस कलर्स या अपीयरेंस ऑफ बोथ दिस कलर्स कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ H2O2 विच देयर बाय कन्फर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपरॉक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोपरॉक्साइड काफ़ी इनफ्लेमेबल और डेंजरस होता है भाई, काफ़ी इनफ्लेमेबल और डेंजरस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें लिख लो हाइड्रोपरॉक्साइड है ना, इसमें लिखो पॉइजनस एंड एक्सप्लोजिव। और लास्ट वाला तुम्हारा बचता है सॉल्ट फॉर्मेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या है, RO+HCl, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड HCl है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ हमारे पास सामने देखने को हमें मिलेगा, विच इज़ लाइक दिस हैज बिकम द कटायन एंड दिस हैज बिकम द अनायन, तो दिस इज़ अ सॉल्ट, ठीक। तो ये तुम्हारा सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। हेयर ईथर्स आर कम्प्लीट फ्रॉम माई साइड, नाउ वी कैन लाइक टेक अ लुक एट, कितना टाइम हो गया भाई, 1:57-2 घंटे के आसपास हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स कंप्लीट दिस एज वेल। तो यहाँ पे ईथर के साथ में सीधे इपॉक्साइड लिखना है, इपॉक्साइड में ज़्यादा कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इपॉक्साइड क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर्स हुए, ठीक है, अच्छा एक मिनट, हमने अल्कोहल नहीं, हमने सारे के सारे देखे हैं, पर्टिकुलर टाइप के साइक्लिक ईथर्स हुए, कैसे, ये तुम्हारा अगर दो अगल बगल वाले कार्बन पे यू समझो इट इज ऑफ दिस सॉर्ट, ये तुम्हारा सिंपल एग्जांपल हो गया, एक दिस इज व्हाट इपॉक्साइड्स आर, ठीक है। तो ज़्यादा इस पे जाते नहीं है, सबसे पहले लिखते हैं प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन के तीन तरीके हैं इसमें, ठीक है। प्रेपरेशन कैसे होती है, अगर तुम्हारे पास अल्फा, ठीक है, दो तरीके अलग अलग है, पहला तरीका है तुम्हारा एल्कीन से, अगर मान लो तुम्हारे पास एल्कीन है इस तरीके का, ठीक है, और तुम इसे रिएक्ट कराओ, ये होता है तुम्हारा परॉक्सी एसिड, इसमें तीन OH है, तीन ओ है ना और एक H है, ठीक है, तो दिस इज परॉक्सी एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो नॉर्मल एसिड क्या होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं यहाँ पे एक परॉक्सी लिंकेज लगा दूँ तो ये परॉक्सी एसिड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास CH2CHO, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, क्लियर होगी बात। इनफैक्ट बाकी जो दो बता रहा हूँ उसमें भी प्रोडक्ट यही होगा, दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, इसमें अगर तुम इसको रिएक्ट करा दो O2 इन द प्रेजेंस ऑफ AG तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे है MMPP, इसको लिखो मैग्नीशियम मोनोपरॉक्सी थैलेट, ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कोई तुमसे पूछ ले इसलिए लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को कीड़ा होता है कि नहीं नहीं सर हमें तो चाहिए, हमें तो जानना है, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा
MMPA होता है, MMPA ये हो गया। कोई बहुत कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जानने की भाई, ठीक है। जिज्ञासा है किसी के मन में, कीड़ा है किसी का, तो भाई उसके लिए है, अदरवाइज़ इसे याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर याद रख लेना, अगर MMPP कहीं लिखा देखो तो वो एक परॉक्सी एसिड के जैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें परॉक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो ये परॉक्सी एसिड के जैसे ही बिहेव करेगा। और क्या दिया तो उसने, एल्किन दिया, तो एल्किन के साथ में हमें एल्किन से इपॉक्साइड मिल गया, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, ठीक। नेक्स्ट जो होगा इसी में जो प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट होगी हेलोहाइड्रिन से। हेलोहाइड्रिन मैंने बता चुका हूँ, हेलोहाइड्रिन अगर तुम्हारे अल्फा बीटा अल्फा हेलोहाइड्रिन हुए, अल्फा हेलोहाइड्रिन का मतलब क्या हुआ ये देखो, हेलोहाइड्रिन का मतलब हुआ हेलो भी है वहाँ पे और हाइड्रिन मतलब OH भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। अगर मैं इसको एक बेस के रिएक्ट करा दूं तो होगा क्या, यहाँ पर OH माइनस आएगा, इस H को लेके चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे RCO माइनस CCl R डैश, ठीक है। नाउ दिस इज़ दी न्यूक्लियोफाइल, दिस कैन अटैक ऑन दिस और ये अपने बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास RCO, यहाँ पे तो H हो गई, लिख लेना भाई H, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा और यहाँ पे आएगा CH R डैश, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो ये दोनों के दोनों जो तुम्हारे प्रेपरेशन हो गई, ठीक। अब तुम्हारे पास इसकी रिएक्शंस बचती हैं, रिएक्शन में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो रिंग ओपनिंग की है, बाकी जो बची हुई हैं वो मैं सीधे सीधे एक बार लिखवा दूंगा। रिंग ओपनिंग की जो रिएक्शन है वो देखो, तो लिखो इसमें प्रेपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में रिंग ओपनिंग है, रिंग ओपनिंग इसकी दोनों तरीके से होती है, एक बेस कैटलाइज होती है और एक एसिड कैटलाइज होती है। तो सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन है दैट इज रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना रिंग ओपनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 3-membered रिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो जल्दी ओपन हो जाएगा, तो रिंग ओपनिंग है। तो फर्स्ट केस क्या है, एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग में देखो क्या हो रहा होगा, RCHCR- है मान लो, O है, ठीक है, सिंपल सी ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। H प्लस मान लो तुमने एसिड तो दिया है, अब एसिड दोगे तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा, अब क्या आएगा RCHCHROH+, क्योंकि अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड टूटा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरफ से टूटेगा। अगर मान लो टूटने के बाद, क्योंकि देखो टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बोकैटायन तो बन ही रहा है, या तो इधर का कार्बोकैटायन बनेगा या इधर का कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो जिस तरफ का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उस तरफ का ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मान लो मैं कह रहा हूँ इस तरफ का ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या आएगा CHOH CHR- और यहाँ पर अब जो भी एसिड का पिछला भाग था, बेस मान लो B- लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, या A- लिख लेते हैं इसको, A- मैं HA मान रहा हूँ इसको ना, एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा RCHCHAR-OH, ठीक है। तो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली दिस ग्रुप विल बी अ बल्की ग्रुप, क्योंकि बल्की ग्रुप के पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे और ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है इसको, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यार, ठीक है, और क्योंकि ये अटैक किस साइड से कर रहा है, यहाँ पे ये अटैक कर रहा है
उस बल्की ग्रुप वाली साइड से, उस बल्की ग्रुप वाली साइड से, ठीक। तो एसिड कैटलाइज उसमें तुम देखोगे कि हमेशा जो एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है या जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट कम्स फ्रॉम दी बल्की साइड, बल्की वाली साइड से आता है, ठीक है। ओके, तो इसमें लिख लो एसिड्स, एसिड्स हेल्प इन ओपनिंग दी एपॉक्साइड रिंग, हेल्प इन ओपनिंग दी एपॉक्साइड रिंग। यहाँ पर रिंग ओपनिंग है तो तुम ऐसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि भाई दो होगा, इतना लिख लो, हेल्प इन रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग बाय अटैकिंग, बाय अटैकिंग दी ऑक्सीजन ऑफ, बाय अटैकिंग दी ऑक्सीजन ऑफ दी ईथर ग्रुप, बाय अटैकिंग दी ऑक्सीजन ऑफ दी ईथर ग्रुप एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लिविंग ग्रुप, एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ समझो, ये अटैक हो रहा है और ये इसका लिविंग ग्रुप है, यहाँ ये बॉन्ड टूटा ना, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। हालांकि ये पूरा का पूरा छूट नहीं गया क्योंकि इसका एक और बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लो ये बॉन्ड नहीं होता तो ये बाहर निकल जाता, ठीक है। तो लिखो देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। हेंस गिविंग अ हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन भी नहीं बोला, हेंस गिविंग हेंस गिविंग, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने बोला क्या क्या, मैं कुछ मिस कर गया। इसने कहा कि हेल्प इन ओपनिंग दी इपॉक्साइड रिंग बाय अटैकिंग दी ऑक्सीजन ऑफ द ईथर ग्रुप एंड गिविंग अस, एंड गिविंग, या गिविंग इन द प्रोसेस एल्कोहल अ प्रोडक्ट विद ओएच ग्रुप एंड दी ओएच ग्रुप एंड दी एंड दी कॉन्जुगेट बेस ऑफ दी एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दी एसिड। देखो इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड है, अगर मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट कराऊँ तो ये क्या देगा मेरे को, ये देगा HA फिर से दे देगा, और साथ में मेरे को क्या देगा, OH-, इससे इन एनी केस बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर यूजली जो अटैक होगा वो OH का होगा, ठीक है जी, यहाँ पर जो अटैक होगा वो यूजली OH का होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट व्हाट वी विल गेट इज अ डाई सब्सटीट्यूटेड डायोल, यहाँ पे डायोल मिल रहा है, या इसको क्या बोलेंगे, जेमनी, हाँ, हमको विसिनल डायोल मिल जाता है, अ विसिनल डायोल, ठीक है। इसमें लिखो द रिएक्शन मैकेनिज्म इज, रिएक्शन मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर SN1, ठीक है। इन केस ऑफ एसिड कैटलाइज रिंग ओपनिंग द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ए माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH- भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, विच एवर द केस में भी, अगर वाटर इज द सॉल्वेंट तो OH- विल बी द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द हाईली सब्सटीट्यूटेड साइड। तो मान लो अगर मैं तुम्हारे साथ पास ये रिएक्शन देता हूँ तुमको, RCR CHR, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर H+H2O रखते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा OH- ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड साइड कौन सी है, ये वाली, इधर से आएगा। तो RCR, अगर मान लो यहाँ पर ये OH इधर आया है तो यहाँ पर HROH नीचे आएगा, देख रहे हो, ये ट्रांस एक दूसरे के, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ट्रांस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, दे विल कीप रोटेटिंग, बट टू बिगिन विद दे विल ऑलवेज बी एंटी टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज़ है, मान लो इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड हैव यूज्ड सेम चीज़ में, अगर मैं ये यूज़ कर लेता H+CH3OH, तो यहाँ पर OH- हाइड्रोक्सी ग्रुप वुड नॉट, या हाइड्रोक्सी वुड नॉट हैव बीन दी न्यूक्लियोफाइल, हेयर एल्कॉक्सी और मिथॉक्सी ग्रुप वुड हैव बीन दी न्यूक्लियोफाइल। तो इंस्टेड ऑफ
ओ एच यहाँ पे क्या आता, ओ सी एच थ्री, आर सी एच ओ एच आर। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा विसिनल डायोल ही मिले, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे पास ये बेस क्या है या न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक, उससे तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो एसिड कैटलाइज में सिंपल सी बात है, H+ का अटैक कराओ, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा उस साइड पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो, या अगर जेनरिक रिमेंबर रखना याद रखना चाहते हो तो तुम्हारा एसिड, सॉरी, दी न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस कैटलाइज्ड, नेक्स्ट इज बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, बेस कैटलाइज्ड है तो यहां पर क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास यही चीज है, ठीक है, या इनफैक्ट ऐसा करते हैं, इसको ना ये कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसके साथ में कोई बेस लगा रहा हूं तो बेस क्या करेगा भाई, ठीक है, बेस यहां पर से किसी बेस के साथ में अगर तुम करोगे, व्हाट विल हैपन, ये अपना ये दे देंगे, ठीक है, तो बेस का अटैक यहां हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा। तो बेस का मतलब ये नहीं है कि बेस बेसिकली इट्स टेकिंग आउट द हाइड्रोजन, व्हाट विल इट डू, जैसे बेस के साथ अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पे यूँ समझ लो, बेस हैज़ प्रोवाइडेड यू द न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से, या तो यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, किधर, सॉरी नॉट दिस, इस वाले कार्बन पे, दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे हो सकता है, किस वाले कार्बन पे होगा, ये ज़्यादा हिंडर्ड है, ये कम हिंडर्ड है, ये ज़्यादा बल्की है, ये कम बल्की है, किधर होगा, SN2 है ना, ये सिंपल, पहले वो वाला जो रिएक्शन थी वो SN1 थी, ये SN2 दिख रहा है ना, पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो किस पे होगा, इस पे होगा या इस पे होगा, इस पे होगा, क्यों, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, आर सी आर सी, और जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ, इस पे अटैक होगा, यहाँ पे ये वाला अटैक हुआ, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके भग जाएंगे, तो इधर आ गया ओ माइनस, और इधर आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल और एच आर। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल आया वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले में आया है, और यहाँ पे H+ का इस पर ऐड कर एडिशन कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सी ओ एच आर सी एच एन यू और आर। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ये समझ लो कि जो बेस कैटलाइज रिएक्शन होगी इट विल गिव यू प्रोडक्ट बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम ही आना है। अगर मान लो यही रिएक्शन हम करा रहे होते किसी बेस OH- माइनस की प्रेजेंस में करा रहे, फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन अगर मैं OH- माइनस की प्रेजेंस में करा रहा होता तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को OH मिलता और यहाँ पे मेरे को OH मिलता, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट भी वैसा ही है, हालांकि यहाँ पे अटैक पहला इस पे हुआ है। ठीक है, और ये भी विसिनल डायोल मिल रहा है, और अगर मान लो ये इंस्टेड ऑफ दिस ये होता हमारे पास सी एच थ्री ओ माइनस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, सी एच थ्री और सी एच थ्री। तो तुम देखो सेम रिएजेंट है लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट है, सी एच थ्री इस बारी इसमें था, सी एच थ्री इस वाले में इस पे है। ठीक है जी, आर वी क्लियर, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और इसमें लिख लेना दैट दिस रिएक्शन इज SN2। ठीक है जी, ये दो चीज़ें लिख लोगे बहुत हो जाएगा, और बाकी अब मैं इसकी फाइनल सारी रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जैसी मैंने ये रिंग ओपनिंग वाली बताई है ना, यही रिंग ओपनिंग वाली रिएक्शंस है विद डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स। ठीक है, और कोई रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सी एच थ्री ओ एच एच प्लस, तुम देख रहे हो कि ये एसिड है तो एसिड कैटलाइज हो गया, एच एक्स है तो ये भी एसिड कैटलाइज हो गया, ये एन एच थ्री। ठीक है जी, ये तुम्हारा मैं किसके साथ करा रहा हूँ, सी एच टू सी एच टू। ठीक है, ओके, नाउ ये है तुम्हारा बेस कैटलाइज्ड, दिस इज योर
बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये भी तुम्हारा एक दूसरा ही है, और H2 फर्स्ट सेकंड। सिंपल, जितने भी यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सारे के सारे तुम्हारे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस है, सब के सब में रिंग ओपनिंग होगी। LiAl H4, ये सारे न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर CH2 CH O CH3 CH2 OH, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 OH CH2 X, यहाँ क्या आएगा, CH2 OH CH2 NH2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, CH2 OH, हालांकि इसमें कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स सेम ही आएंगे। यहाँ पे क्या है, R माइनस, ये प्लस है, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ क्या आएगा, CH2 न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो R का अटैक यहाँ पे होगा, और ये कोई एसिड कैटलाइज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 OH, क्योंकि यहाँ पे OMGX आएगा और उसको हम फिर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो OH आ जाएगा। सेम वे इसमें भी क्या आएगा, R CH2 CH2 OH, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ R, यहाँ पे LiAl H4 में कौन सा होता है न्यूक्लियोफाइल, H-, ठीक है। तो H CH2 CH2 OH, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे पास रिएक्शंस आ गए, दैट्स इट। एक क्वेश्चन तो है हमारे पास, ठीक है यार, बस इतना बहुत है, ये सारा कर लो, तुम्हारा काम हो गया। तो इसके अलावा तुम्हें किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, मिलेगा तो भाई मैंने बोल दिया है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, और दैट्स इट। मतलब ईथर्स में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये 3-4 रिएक्शन हैं, इन्हें याद रखो, विलियमसन सिंथेसिस, ये जो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग है, HI के साथ रिएक्शन, एल्कोहल्स का, जो एल्कोहल से ईथर बनता है, ईथर से एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से ईथर, ईथर से एल्कोहल, दोनों बन रही है, उसके बारे में, ठीक है। ये 3-4 याद रखो, बाकी उसके बारे में और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। वी आर डन ओवर हियर, बाय बाय, टेक केयर। मेरी तो आवाज़ भी बैठ गई भाई।